not a game, it's a rich thing. Hey everybody, welcome back once again with another exciting video. और आज के इस वीडियो में मैं एक नेकबैंड का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग प्रोडक्ट है. और ये रहा हमारा नेकबैंड जो कि अमेजोन से मैंने परचेज किया हूँ. और इसका जो स्पेसिफिकेशंस है वो सुन के आप लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे क्योंकि ये 1000 म्यूजिक प्रीलोडेड है. मतलब आपको फ़ोन के साथ कनेक्ट करना नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल इसको पहन के डायरेक्टली आपको कोई वीडियो इसे कनेक्ट ना करके भी आप गाना सुन सकते हो जो कि काफ़ी सारा गाना इसमें लोडेड है प्लेलिस्ट के साथ भी. तो ये वाला म्यूजिक जो है नेकबैंड जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है. और जिस प्राइस रेंज में ये आता है इसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशन ऐसे हैं जो कि आप लोगों को पता रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक नेकबैंड खरीदना चाहते हो. सो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक देखना क्योंकि यहाँ पे छोटा सा अनबॉक्सिंग करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और स्पेसिफिकेशन वाइज भी थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ. और एंड में आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस भी बताने वाला हूँ क्योंकि मैं इसको 2 दिनों से मैंने यूज़ किया हूँ और यूज़ करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ. सो गाइस सबसे पहले हमें इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर लेना है, इसलिए हमें यहाँ पे कट लगा इसको अनबॉक्स कर लेंगे. अनबॉक्स करने के बाद जो है हमारा प्रोडक्ट जो है असली प्रोडक्ट जो है बाहर निकल आएगा. इस वाले प्रोडक्ट को मैं पहले से ही अनबॉक्स कर लिया हूँ, फिर भी एक बार आप लोगों के लिए अनबॉक्स कर लूँगा. सो ये है रहा हमारा प्रोडक्ट. यहाँ पे सील जो है ब्रेक कर रख के रखा हूँ, फिर भी मैं यहाँ से एक बार और कट करके इसको निकल लूँगा. सो सील को ब्रेक कर दिया हूँ. सील ब्रेक करने के बाद इसको बाहर निकल लेते हैं सबसे पहले. तो बाहर निकलने में कुछ ऐसा दिख रहा है और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे यहाँ पे क्या कुछ मिलता है. यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल दिख रहा है, यूज़र मैनुअल जहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन मिल चुका होगा. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है जो आप पढ़ के इस जो नेकबैंड को चला सकते हो. तो यहाँ पे इसको साइड में रखते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो है एक कैटलॉग और यहाँ पे एक केबल जिसकी वजह से आप चार्ज कर पाओगे और यहाँ पे ईयर टिप दिया गया है जो कि आपके कान के साइज के हिसाब से आप लगा सकते हो. तो और कुछ नहीं है, इसको साइड में रखते हैं और साइड में रखने के बाद हमारे मेन प्रोडक्ट में आ जाते हैं. तो प्रोडक्ट को सबसे पहले बाहर निकल लेते हैं. दो ईयर टिप्स को इस तरह से आपको पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. तो सबसे पहले इस सारी चीज़ों को एक साइड में करते हैं और हमारे प्रोडक्ट के पास आते हैं. तो ये रहा हमारा नेकबैंड जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है देखने में. और इसका जो एयर का टिप्स का जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. और यहाँ पे जो 10mm का जो डायवर दिया हुआ है और इसमें मैग्नेट भी है जो काफ़ी ज़्यादा सही से काम करता है. मैग्नेट का जो कैपेसिटी है वो भी, स्ट्रेंथ है जो है वो भी अच्छा है. और यहाँ पे लोगो भी दिया है, लोगो जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में. यहाँ पे भी लोगो है और काफ़ी सही है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी सही है. लेकिन यहाँ पे पूरा जो प्लास्टिक है, मतलब यहाँ पे कोई भी मेटल यूज़ नहीं किया गया है. और यहाँ पे फंक्शन बटन जो है काफ़ी सारा फंक्शन बटन दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, लिटरली कन्फ्यूजिंग है. पहली बार में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था. और ये है चार्जिंग पोर्ट जो कि टाइप सी है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है. टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चलेगा. और यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करने वाला कुछ नहीं है. और यहाँ पे चार्जिंग जो है 35 आवर्स का है जो कि आप लोगों को पहले पता चल चुका होगा. और इसमें जो वायर का क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब फ्लैट वायर दिया गया है. यहाँ पे कोई भी सर्कल टाइप का वायर नहीं है, फ्लैट वायर है जो कि अच्छा लगता है दिखने में और थोड़ा सा डिफरेंट है. काफ़ी ज़्यादा जो ब्रांड है वो जो रिंग टाइप का वायर देते हैं लेकिन यहाँ पे फ्लैट है जो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है. और यहाँ पे जो एक मतलब जॉइंट दिया गया है, जॉइंट काफ़ी ज़्यादा सही है. और सबसे पहले इसको आपको एक बार प्रेस करना है, मतलब प्रेस करके पकड़े रहना है, तब ये जो पावर ये नेकबैंड जो है वो ऑन हो जाएगा. आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो ब्लू लाइट जल चुका होगा. और ब्लू लाइट करने के बाद आप यहाँ पे अगर डबल प्रेस करोगे तो ये बेस बूट मोड में चला जाएगा और एक बार सिंगल प्रेस करोगे तो ये ब्लूटूथ मोड में चला जाएगा. और अगर आप इसको ज़्यादा देर प्रेस करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसको प्रेस करोगे तो पॉज एंड प्ले होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा और इस तरह से फंक्शन होगा. और अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे जो गाना बज रहा है या फिर नहीं. तो अभी आप सुन सकते हैं यहाँ पे गाना बज रहा है. मैं आपको थोड़ा माइक के पास ले जाकर आप सुना देता हूँ. सो
सो इस तरह से आप कोई वीडियो से कनेक्ट करे बिना ही आप इससे म्यूजिक सुन सकते हो। और यहाँ इसको अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ से प्लेलिस्ट चेंज हो जाएगा, गाना चेंज हो जाएगा। और ज़्यादा देर तक प्रेस करोगे तो और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आप लोग प्रेस करके आप देख सकते हो। मतलब काफ़ी सारा फीचर्स जो है इस नेकबैंड को यूज़ करने के बाद पता चलता है। और बिल्ड क्वालिटी के बारे में और ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है, तो ये रहा इस प्रोडक्ट का रिव्यू। सो इस नेकबैंड को मैं 2 दिन से यूज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो पता चला है, क्योंकि रियल लाइफ जो यूसेज है वो करने के बाद है आपको एक प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है वो 35 आवर्स बताया जा रहा है ब्रांड की तरफ से, लेकिन इतना ज़्यादा बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गिमिक हैं जो ब्रांड मार्केटिंग के लिए करता है। और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग है ये मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे बैटरी बैकअप जो है 35 एग्जैक्टली जो आपको मिलेगा ये एकदम एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को करीब 10 से 12 आवर तक का आपको बैटरी कंटिन्यूसली मिल जाएगा। और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे एक और बात, इस जो बर्ड्स है मतलब ईयरबड्स जो कानों में लगता है वहाँ पे कुछ मुझे तकलीफ लिया है, क्योंकि जब मैं एक दो बार मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जहाँ पे मैं इसको पहन रहा था और एक मतलब राइट साइड में आवाज़ नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे अच्छा लगा है। और जो प्राइस रेंज में ये 1600 रुपीज़ में ये आता है, और बिल्कुल इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी और ब्रांड आपको इस तरह का फीचर मतलब 1001 आपको म्यूजिक प्रीलोडेड नहीं मिलता है, लेकिन इस ब्रांड की तरफ से टारबुल ब्रांड की तरफ से ये मिल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन है। और इस ब्रांड की तरफ से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है ये काफ़ी जल्दी ख़राब हो जा सकता है, क्योंकि प्रीवियसली मैं एक बोट का नेकबैंड यूज़ करता था जो कि एक बार ख़राब हो चुका था और वारंटी पीरियड के अंदर था, तो मैं उसको वारंटी के लिए अप्लाई किया, लकीली वो वारंटी के अंदर आया और मुझे एक नया प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन इस ब्रांड के साथ ऐसा हो सकता है या फिर नहीं ये बिल्कुल बताना मुश्किल है, क्योंकि ये आप लोगों को चाइना से इंपोर्ट करके ये ब्रांड जो है सेल कर रहा है, तो इसलिए इसको मैं इतना ज़्यादा ब्रांड वैल्यू नहीं दूंगा। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे आपको वारंटी का जो इशू है वो मिल सकता है, और यहाँ पे मुंबई में इसका सेक्टर है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम भी हो सकता है और आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, ये आप ध्यान में रखना। अगर आप सर्विस चाहते हो इस ब्रांड की तरफ से तो ये मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर आप दिल्ली मुंबई या फिर कोलकाता में रहते हो तो इसमें उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। और इस ब्रांड की तरफ से मैं एक और बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं और डिज़ाइन वाइज आपको बोला जाए तो बहुत सारे कलर्स भी मिलते हैं, और इस प्रोडक्ट का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एंड ऑफ द डे आपको ब्रांड सब कुछ देखने के बाद इसको मैं 10 out of 10 आपको इसको 8 में रिकमेंड करूँगा। सो इसके प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकते हैं, तो होपफुली आप लोगों को पता चल गया होगा इस प्रोडक्ट के बारे में, मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया हूँ, आई होप आप लोगों को पता चल चुका होगा। और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हो और पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का अमेजिंग वीडियोज इस चैनल पर आता रहता है। एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।